हेलो एवरीवन, मारू नाम डॉक्टर प्रतीक पटेल छे अने एज अ स्पाइन सर्जन हूँ वायरोक हॉस्पिटल में काम करूँ छूँ। 20th ऑक्टोबर इज नोन एज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस एटले शू? ऑस्टियोपोरोसिस एटले कि जेम लाकड़ा में उधई लागे अने लाकड़ा पोला पड़ी जाए, एम सेम जो हाड़का अपना पोला थी जाए तो इन्हें आपणे ऑस्टियोपोरोसिस कहता हुए। आने साइलेंट बोन डिजीज तरीके भी ओळखवामां आवे छे। हवे ऑस्टियोपोरोसिस कोने थाय? तो ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली पोस्ट मेनोपोजल का तो ओल्ड एज में थती बीमारी है, पर आ कोई भी एज में थी सके, जम लांबा समय सुधी स्टीरोइड सेवन करवा थी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल थी, क्रॉनिक क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक लीवर फेलियर, आ बधी वस्तुओ असोसिएटेड हो तो आवा व्यक्तिओं में हड़का पोला थी सके। हवे ऑस्टियोपोरोसिस कारण लोगों ने शू सीम्टम्स आए एना विषे बात करिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस कारण हड़का पोला थी जाए तो नानूमोटू पड़वा फ्रेक्चर थी सके। और आ फ्रेक्चर मोस्ट कॉमनली कमर में, कांडा में के हिप बोन में थवानी शक्यता होय छे। हवे बीजा कया सीम्टम्स ऑस्टियोपोरोसिस असोसिएटेड होय? जेम के हाइट ऊँची थी जवी, स्टूपिंग पोस्चर में चालू, कमर दुखाव रहो, हाड़कानो दुखाव रहो, आवा भी समस्या लोकोने थती होय छे। हवे ऑस्टियोपोरोसिस आपणे डायग्नोस करवो होय तो केवी रीते डायग्नोस थाय? तो ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस करवा माटे बोननी डेन्सिटी मापवी पड़े, जे टेस्टनुं नाम छे डेक्सा स्कैन। હવે આ સ્કેનની મારફતથી આપણને ખબર પડે કે આપણી હાડકામાં ઘનતા કેટલી ઊંચી છે, અને એ પ્રમાણે આપણે સ્પેશિયાલિસ્ટને મળીને ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ તો આની ઓસ્ટિયોપોરોસિસની ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે છે। બીજું કે આપણે ઓસ્ટિયોપોરોસિસથી બચવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો ઓસ્ટિયોપોરોસિસથી આપણે બચવું હોય તો રેગ્યુલર વોકિંગ, ખાસ કરીને મોર્નિંગમાં 7 to 9 ની વચ્ચે સૂર્યપ્રકાશમાં આપણે ચાલીએ તો આપણને વિટામિન ડી મેક્સિમમ મળે। બીજું રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ, યોગા, બેઠાડું જીવન આપણે ના જીવવું જોઈએ, કેલ્શિયમ રિચ ફૂડ, વિટામિન ડી રેગ્યુલર ખાવામાં આપણે લેવું જોઈએ। આ ઉપરાંત કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી ટેબ્લેટ આપણને આમાંથી બચવામાં હેલ્પ કરી શકે છે।